ये देखिए इसके अंदर से पूरा जो चर्बी है वो बाहर आ रहा है। क्या अंकल ये? ये चुस्ता है, ये हर जानवर में रहता है एक पी। इनका बहुत ही अलग तरीका है मटन बनाने का। ये वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम आ चुके हैं पटना में और यहाँ विजय होटल में मिलता है सबसे फेमस चुस्ता वाला मटन। तो देख सकते हैं एक साथ कितनी कटोरी में यहाँ पे मटन लगाया जाता है और बहुत ही टेम्पटिंग दिख। तो चलिए इसकी पूरी मेकिंग देखते हैं कैसे बनता है और भैया से बात करते हैं। ये क्या करने वाले हैं अभी? ये चुस्ता है, इसको पलट रहे हैं। मतलब चुस्ता यही होता है, इसमें भरा जाता है ना? जी, इसमें सब चर्बी लगा रहता है। देखिए ये चर्बी है पूरा और इसमें चर्बी को भरा जाएगा, इसका एक पॉकेट होता है उसमें। ये देखिए तेल जा रहा है अब इसमें। कौन सा तेल है? सरसों का तेल है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें से धुआं निकल रहा है, अब इसमें प्याज डाला जाएगा। इस प्याज को फ्राई किया जाएगा जब तक ये ब्राउन ना हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? मटन का प्याज चढ़ा रहे हैं भैया। ये दो अलग तरीके से चलाते, जैसे मसाला भूजेंगे उसमें से इसमें पलट लेंगे। पहले प्याज गला देंगे। प्याज गलाइएगा? हाँ। इसमें मसाला भी जाता? हाँ, मसाला जाएगा ना। क्या क्या डालते हैं? पहले प्याज दिए, उसके बाद एक जग पानी दे दिए, उसके बाद चटपत्ता, मिर्चाई, गुलकी, जीरा, फले डालेंगे इसमें, आधी लहसुन। ये मसाला डालने के बाद भैया इसमें नमक डाल रहे हैं। कितना देर फ्राई करते हैं इसको? आधा घंटा होगा। प्याज डाल, ये देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मसाला डाला जाएगा। लहसुन डालना है भैया। हल्दी है भैया। धनिया का पाउडर है। मिर्चा है। इसमें तीन ही मसाला जाता है? तीन मसाला। ये गाइस देखिए चुस्ता जा रहा है यहाँ पे, विजय होटल का सबसे फेमस। तो देखिए यहाँ पे मटन जा चुका है। कितना केजी मटन रहता है अंकल? वही 30 किलो। तो यहाँ पे 30 से 35 किलो तक मटन निकल जा रहा है। मात्र 3 घंटा में बिकता है। मात्र 3 घंटा। प्याज गल रहा था, उसमें डाला जा रहा है मटन को। इनका बहुत ही अलग तरीका है मटन बनाने का। तो ये देख सकते हैं मसाला अलग से फ्राई होता है और फ्राई करके जो प्याज गलाया जा रहा था उसमें मटन डाल दिया गया है और उसमें फ्राई किया हुआ मसाला डाला जाता है। ये क्या डाले भैया? ये देखिए गाइस यहाँ पे अमूल बटर का यूज़ किया जा रहा है मसाले में, इससे थोड़ा अलग टेस्ट आएगा। पूरे पटना में तो मटन में बटर का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अंकल। खाना रेडी हो गया भैया? चलो एक गिलास पानी लेकर गंगाड़ के डालो। अभी मंडे से आइएगा ना तो मछली भी मिलेगा। क्या डालना है? क्या अंकल ये? ये चुस्ता है, ये हर जानवर में रहता है एक पीस, यही खाना को पचाता है, खाना पचाने का ये अत्री हुआ। तो इसमें गरम मसाला जा चुका है, ये देखिए रेडी हो गया है बिल्कुल, तेल ऊपर आ गया अच्छे से। दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं? ये लड़ है। ये कैसे आता है, कितना रुपये का? ये 100 रुपये का 4 पीस आता है। 100 रुपये का 4। तो गाइस देखिए चुस्ता निकल रहा है, इसे भैया अब काटेंगे।
ये देखिए इसके अंदर से पूरा जो चर्बी है वो बाहर आ रहा है और ये चुस्ता रेडी है खाने के लिए। ये देखिए मीट भात लग चुका है, इसे टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। हाँ अंकल, नाम क्या हुआ आपका? विजय कुमार चौधरी, ऐसे होटल का नाम है विजय होटल। कितना पुराना दुकान है ये? दुकान करीब 60-70 वर्ष पुराना है, लेकिन 40 साल से तो हम चला रहे हैं इसको। तो यहाँ पे मतलब क्या क्या मिलता है? सिर्फ मीट, चावल, कलेजी और चुस्ता। रेट क्या है सबका? 2 पीस मीट, 1 प्लेट चावल, 140। मीट खाली लीजिएगा तो 60 रुपए प्रत्येक पीस है। चुस्ता भी है तो वो समोसा अगर कोई लिया 300-400 जैसा रेंज का रहा। दुकान खुलने का टाइमिंग कितना बजे से? सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। एड्रेस क्या है यहाँ का? अंटा घाट सब्जी मार्केट। और ये जो आपका मटन बनाने का स्टाइल देखे अभी, बिल्कुल अलग है पूरे पटना में, तो कहाँ से सीखे ये? मेरे दादा बाबा बनाते थे, उसी को देख कर के हम सीखा। तो मतलब पूरा पुश्तैनी चला आ रहा है। ये देखिए गाइस, यहाँ का मटन बिल्कुल बन के रेडी है और यहाँ पे प्लेट में लगाया जा रहा है, कटोरी में। एक साथ देख सकते हैं 10-15 कटोरी में लग रहा है। ये क्या दिख रहा है भैया? लंबा लंबा चर्बी, चर्बी। ये देखें तो गाइस, फाइनली हमारे पास विजय होटल का सबसे फेमस चुस्ता वाला मटन आ चुका है। तो चलिए अब इसे ट्राई करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं। तो देखिए मटन अच्छे से पक चुका है, ये देखिए इजीली टूट रहा है। हल्दी वाला पीस मैंने लिया है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा ग्रेवी लेते हैं इसके साथ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब टेस्ट करते हैं। ये मटन का जो टेस्ट है बिल्कुल ही अलग है, इसमें ज़्यादा मसाला का यूज नहीं किया गया है, ये सिर्फ मटन का ही एरोमा आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया कीरा डाला गया था, ज़्यादा मसाला मीट मसाला वगैरह यूज़ नहीं किया गया, तो मटन का टेस्ट अच्छे से निखर के आ रहा है। तो चुस्ता मटन का बहुत ही टेस्ट अच्छा लगा मुझे। अगर आप पटना में रहते हैं तो यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करें विजय होटल। अगर आप पटना विजिट करते हैं तो यहाँ पे आके मटन ज़रूर ट्राई करें। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो मटन खाना पसंद करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इसे खा के ख़त्म करता हूँ।